मुनावर फारूकी ने किया एक पोस्ट। जी हाँ, उस पोस्ट को लेकर आखिर क्या कुछ कह रहे हैं फैंस, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा पोस्ट। जी हाँ, लॉकअप के विजेता बनने के बाद, लॉकअप की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद आप सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं मुनावर फारूकी। जी हाँ, उनकी अगर मैं बात करूं, कल वो लाइव आए थे क्योंकि आप सभी बेताबी से उनका वेट कर रहे थे कि कब वो लाइव आएंगे, कब लाइव आके आप सभी से बातें करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे, क्या कुछ वो रहेगा इंटरेक्शन। तो कल तो हो गया, कल उन्होंने ढेर सारी बातें की आप सभी से, आपके हर सवाल का जवाब दिया, अपना वादा उन्होंने पूरा किया। तो भाई ये सारी चीज़ें तो पूरी कर दी। अब आपको बताना चाहूँगी, मुनावर फारूकी ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने अपना एक ट्वीट शेयर किया है और शेर व शायरी तो वो करते हैं और यही आपको उनकी जो खासियत है, काफ़ी पसंद है, आप इस चीज़ को ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। लेकिन मुनावर को अच्छे से पता है कि कैसे आप लोगों को एंटरटेन करना है, कैसे आप लोगों को अपने शायरी से इम्प्रेस करना है। तो उन्होंने पोस्ट किया है, खड़ा बुलंदी पे खुदा लख शुक्र करूं, अमल खास नहीं तो आखिरत की फिक्र करूं, उसको शायद पसंद है मेरा टूटना, मुसीबत भेजता है ताकि उसका जिक्र करूं। मुनावर, जी हाँ, ये एक पोस्ट डाला है और इस पोस्ट पर सभी का रिएक्शन आ रहा है और मुनावर की जनता, उन्होंने एक हैशटैग करके डाला है, मुनावर के वॉरियर्स जो है, ये बात कही है उन्होंने अपने फैंस और वॉरियर्स और जनता को, और शुक्र किया है भगवान का, अल्लाह का, कि उन्होंने इस बुलंदी पर उनको खड़ा किया है जहाँ पर वो आज हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप उनके शायरी को लेकर अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा और देखते रहिए फीफा पोस्ट इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।